देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट की एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी इंटू वन प्लस टू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अप टू वन प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर टू द होल पावर वन बाई एन ठीक है तो इसमें डायरेक्ट एंसडेंट टू इन्फिनिटी डालेंगे तो वन इंटू वन इन टू वन वन और वन टू दी पावर इन्फिनिटी बन रही तो है दोनों तरफ लेते हैं लोग ठीक है तो यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग ले लेंगे ठीक है तो लोग के अंदर देखो हमारे पास लोग में प्रॉपर्टी होती है कि लोग ए टू दी पावर बी इज इक्वल टू होता है बी लोग ए जो एक पावर में है बी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो यहाँ पे पावर में क्या है वन बाई ए तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो लोग एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनी वन बाई एन लोग ऑफ लोग ऑफ यहाँ पे क्या जाएगा लोग ऑफ वन प्लस वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वन प्लस टू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वन प्लस थ्री स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अप टू वन प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये आएगा ठीक है यहाँ तक अब देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं लोग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं देखो एन टेंस टू इनफिनिटी वन बाई एन अब देखो लोग की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ वन प्लस वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस ऑफ वन प्लस टू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस लोगोफ वन प्लस थ्री स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अप टू प्लस लोग ऑफ वन प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ठीक है ये आ गया अब देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन इसको हम क्या लिख सकते हैं समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू एन लोग ऑफ वन प्लस आर टू दावर सॉरी आर स्क्वायर टू दावर एन टू एन स्क्वायर

तो ये आर बाई एन है इसको रिप्लेस करेंगे हम x से और वन बाई एन है वो रिप्लेस होगा वन बाई सॉरी वन बाई एन है वो रिप्लेस होगा डी एक्स से ठीक है और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो लोग एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन देखो वन बाई एन को तो डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा लोग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इन डी एक्स इसका हमें इंटीग्रेशन करना है ठीक है तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कह सकते हैं लोग ऑफ एल इज इक्वल टू इसमें हम लोग ऑफ वन बाय पार्ट लगाएंगे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वन ले लेते हैं सेकंड फंक्शन वन का इंटीग्रेशन यू इन टू वी बाई पार्ट लगा रहे हैं यहाँ पे तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन यहाँ पे क्या आ जाएगा अब इंटीग्रेशन तो हमारे पास एक्स आ गया वन का एंड इसका डिफरेंशिएट जो कॉन्स्टेंट रखा था इसका डिफरेंशिएट क्या जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स ठीक है इंटू टी एक्स अब देखो यहाँ से हमारे पास आ गया लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और जीरो टू वन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो यहाँ पे प्लस वन ऐड करेंगे और माइ माइनस सेपरेट कर देंगे वन ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा लोग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू देखो इंटीग्रेशन जीरो टू वन अब अलग अलग इसमें हम क्या करेंगे सेपरेटली डिवाइड कर देंगे डोमिनेटर को डोमिनेटर से तो आ जाएगा वन माइनस वन अपोन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है इंटू डी एक्स और अभी फाइनली अपने पास इंटीग्रेशन क्या गया लोग ऑफ एक्स इंटू लोग ओ ओ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू देखो टू इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया ठीक है माइनस इसका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स ठीक है ये हो गया और इसकी लिमिट क्या है टोटल की ज़ीरो टू वन थी हमारे पास लिमिट देखो यहाँ पे ठीक है तो ज़ीरो टू वन वन रखेंगे तो क्या जाएगा लोग ऑफ टू देखो वन रखेंगे तो वन लोग ऑफ टू माइनस माइनस टू इंटू वन माइनस टेन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाई फोर ठीक है जीरो रखेंगे तो यह जीरो हो गई और ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी ठीक है तो लोग एल इज इक्वल टू क्या गया लोग ऑफ टू माइनस टू माइनस प्लस पाई बाई ये हमारे पास इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी तो एलिजिकल टू क्या गया ए टू पावर लोग ऑफ टू माइनस टू प्लस पाई बाई टू ओके